कहानी है दो भाइयों में गाय का बंटवारा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। प्राचीन समय की बात है, एक लखीमपुर गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। जिस परिवार में दो भाई रहते थे, एक का नाम श्याम तथा दूसरे का नाम राम था। उनकी दोनों की शादी हो चुकी थी। उनके पिताजी बीमार रहते थे। कुछ समय बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी पत्नियों में चंदा और चमेली, दोनों भाइयों की पत्नियों में आपस में बनती नहीं थी। वह एक दूसरे को चाहती नहीं थी, जिससे घर में रोज झगड़े होने लगे। उस परिवार में एक गाय भी रहा करती थी, जिसका नाम जमुना था। वह गाय काफी हष्ट पुष्ट और अच्छी दूध देने वाली थी। एक दिन चंदा ने छोटे भाई की पत्नी चमेली से बोलती है कि तुमने जमुना को खाना खिलाया नहीं, इतने समय तक क्या कर रही थी? कुछ काम तो करते नहीं, कामना काज की दुश्मन अनाज की। उसके बाद चमेली बोलने लगी, अपनी जबान संभाल कर बात करो। उसके बाद चंदा बोलती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरे मन में होगा वही जो मैं बोलूँगी। उसके बाद दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसी के उसी समय दोनों भाई खेत से वापस घर पर आ जाते हैं और देखते हैं कि दोनों औरतों में हाथापाई हो रही थी। इतने देखने पर राम और श्याम बाहर आकर एक विचार करते हैं। राम बोलता है कि भाई, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन दोनों के बीच झगड़ा ना हो सके। तब श्याम बोलता है कि भैया, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इन दोनों में झगड़ा ना हो सके? उसके बाद राम बोलता है कि एक ही तरीका है, बंटवारा। राम श्याम को समझाने के बाद श्याम बंटवारे के लिए तैयार हो जाता है। राम गांव के सरपंच और गांव वालों को लेकर अपने घर आता है और राम और श्याम तथा उनकी पत्नियों के साथ उस घर का बंटवारा कर दिया जाता है। उस घर में उनके पुराने उनके पिताजी की पुरानी निशानी गाय जमुना एक ही थी और भाई दो सरपंच गांव का सरपंच बोलता है कि गाय एक और भाई दो है, इसका बंटवारा कैसे किया जाए? तब राम बोलता है कि एक महीना गाय में रख लेता हूँ और एक महीने बाद श्याम गाय रख लेगा। ऐसे करके एक महीने करके गाय का बंटवारा कर दीजिए। उसके बाद सरपंच ने वैसे ही किया जैसा राम ने बताया था। राम बड़ा भाई होने के नाते पहले गाय को अपने पास रख लेता है। उस गाय को प्रतिदिन नहलाता है, उसकी अच्छे से ध्यान रखता है, खाना खिलाना, सफाई और सभी चीज से उस जमुना का अच्छे से ख्याल रखता है। जमुना दूध देने में काफी अच्छी थी। गांव वालों को जमुना का दूध काफी अच्छा लगता था। राम जमुना के दूध को गांव में बेचकर आता, उस दूध से मिठाइयां भी बनाता जो गांव वालों को काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। कुछ समय भी जाते हैं, दूसरी तरफ श्याम की पत्नी चमेली उसके बड़े भाई राम और चंदा से जलने लगती है और श्याम को बोलते हैं कि देखा आपने, वे दोनों कैसे पैसों में खेल रहे हैं उस गाय जमुना की वजह से। तब श्याम बोलता है कि फिर अगले महीने वे गाय हमारे पास होगी, हम भी उसी प्रकार पैसों में खेलने लगेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद राम का समय समाप्त हो जाता है और श्याम और उसकी पत्नी चंदा राम के घर गाय लेने के लिए चले जाते हैं। श्याम उस गाय को अपने घर ले आता है, उसके बाद उसे घर के बाहर खुटे से बांध देता है, किसी प्रकार का चारा या खाने को नहीं देता। जब जमुना भोजन के लिए रंभाती है तो श्याम जमुना को घास डालने चला जाता है, तभी उसकी पत्नी चमेली उस जमुना को घास डालने के लिए मना कर देती है। फिर श्याम बोलता है, तेरी इस जमुना से क्या दुश्मनी है? तब चमेली बोलती है, मेरी दुश्मनी जमुना से नहीं, तुम्हारे भाई और भाभी से दुश्मनी है। मैं इस गाय की हालत इस तरह कर दूंगी जो पहले की तरह दूध नहीं देगी और ना ही तुम्हारा भाई पैसे कमा सकेगा। उसके बाद श्याम से घास का बंडल लेकर अंदर चले जाती है। जमुना भूख प्यार से काफी बीमार होने लगती है। इसके आसपास काफी ज्यादा गंदगी रहती है जिससे वह बीमार हो जाती है और एक वह गाय मर जाती है। इस तरह से उस गाय का झगड़ा उन दोनों भाइयों में खत्म हो जाती है और वह दोनों भाई खुशी खुशी अपना कमाने खाने लगते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।